कैसे होंगे जी। मैं आज पेडिक्योर पे वर्कशॉप दे रही थी, तो मैंने कहा लाइफ आपको भी दूँ, आपको आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये पेडिक्योर कर रहे हैं, ये मेरे क्लाइंट के फिट हैं, आप देखें। इंशाल्लाह आज पूरा वर्क आपके साथ शेयर किया जाएगा, जितनी भी लॉन्ग वीडियो होगी पूरा मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगी। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा जितना भी वर्क हम करेंगे। ये देखें जी, इनके फिट देखें, ऐसे इस तरफ करें ज़रा, ये इस तरफ करें। हाँ जी, ये देखें इनके नेल्स, इनके सारे हम नीट करेंगे, दूसरा भी करें अपनी एड़ियाँ से करें जी। ये देखें इंशाल्लाह हर चीज़ इनकी नीट होगी, ठीक है। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आप डालें जी, ये हमारी पेडिक्योर मैनीक्योर मशीन है, और इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे शैम्पू जी। आप शैम्पू डालें इसके अंदर, और साथ हम मशीन को ऑन करेंगे। मशीन का फंक्शन दिखाए इन्हें ये देखें जी, ये इसके अंदर मशीन है और ये इलेक्ट्रिक है, इसके अंदर सेल डलती हैं। ये तीनों, ये चार चीज़ें इसके साथ, ब्रश है और एड़ियाँ साफ़ करने वाली, फिंगर साफ़ करने वाली स्पंज है, ब्रश है, दूसरा ब्रश है, राउंड ब्रश है जो घूमता है, और ये इसके अंदर सारा फंक्शन है। और यहाँ से कौन हुई मशीन नहीं जी, ये मशीन ऑन हो गई है। और इसमें एक सिंपल भी है, एक बबल वाला भी है, और जो शैम्पू डाला है उससे बबल बनेंगे जी। अब इसमें ये रोज़ खुशबू है, ये थोड़ा सा चंद कतरे इसके हम ये डालेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आए। चंद कतरे, जस्ट एक से, वन से टू ड्रॉप्स इसमें डाला। और ये ब्लीचिंग पाउडर है, हम ये इसमें डालेंगे इसको ओपन करके, हाँ जी दोनों साइडों पे डाल दें। ये काफ़ी ज़्यादा आपके जो पाँव है ना, इसके अंदर आपके सॉफ्ट भी हो जाएगी स्किन और ब्लीच भी हो जाएगी। और इसके साथ आप सॉल्ट है, दिखा दें ऐसे, ये सॉल्ट है हाँ जी, ये भी डालेंगे। शैम्पू दूसरी साइड पे भी डाल लें, आप दोनों साइड पे डाल लें। अब इसके अंदर ये हमारे ये लगे हुए हैं, इसके साथ रिलैक्सर है, ये इसके ऊपर जब आप फिट रखते हो तो काफ़ी हद तक आप रिलैक्स होते हो। ये देखिए अब इसकी स्पीड तेज़ की है, चलिए आप अपने फिट अंदर रखें। ये अपने दूसरे रुके लगा दीजिए, इसको उठाएं और इसको इस रुख लगाते हैं इस तरह, और ये फिर ऊपर नीचे ऐसे आपका ये राउंड चलता है, ठीक है। आपके पाँव नीचे से रिलैक्स होते हैं, उनको सेट करें। पूरी टोटल वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह आज मैं शेयर करूंगी। आवाज़ थोड़ा सा मसला बनेगा क्योंकि ये मशीन की अब आवाज़ शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा होगा, उम्मीद है कि आप मेरे साथ कवर करेंगे। आप सब आप हाथ यूज करें, आपके पास वो आ रहे हैं आपका, चले हो गया जी। आप रखिए तो सर उसको पास में मीट में करें, एंड वाला जो है मीट में करें, इधर वाला ठीक है, वैसा भी ना आ रहा पॉइंट आती है। चले अब ये इसके अंदर थोड़ा डाले हुए हैं क्योंकि पाँव रिलैक्स होंगे, और थोड़ा सा सार डाल लें इसको। तब तक हम आपके साथ टूल्स को शेयर करते हैं कि इसके साथ कौन कौन से टूल्स होंगे। सबसे पहले ये आप इनको दिखाएं, आप इसके अंदर दिखा रहे हैं, टोटल लेके इसके अंदर से भी
ये टूल्स हैं और ये पिन है, पिन के अंदर इसको बॉक्स खोल के दिखाएं जरा। ये देखिए इसके अंदर से मतलब ब्रीक ब्रीक किस्म की दरारी टाइप है, रेगमा टाइप बना हुआ जो हम नेल्स के ऊपर यूज़ करते हैं, नेल्स के साइडों पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है और नेल जो है ना वो नीट होते हैं। शेव करने के साथ उसको इसके साथ अलग अलग आपको हम लोग शेयर करेंगे कि इसको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं और किस पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये दूसरा इसके अंदर जिसके अंदर लगाते हैं वो फैन जी जी इसके अंदर ऊपर लगती है, एक लगा के दिखाएंगे जी। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे लगती है और इसके साथ हम वर्क करेंगे। ये देखिए घूम रही है, कैमरे में शायद इतना फील ना हो लेकिन वो चल रही है, ठीक है। इसके बाद हम आपको अपनी किट दिखाएं। ये किट है पेडिक्योर मैनीक्योर किट है और इसमें इसमें भी ये सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। नेल्स की जो डेड स्किन है वो इसके साथ रिमूव होती है और नेल्स के अंदर से जो है ना जो साइडों वाले पौधे होते हैं वहाँ से जो डस्ट होती है आपकी एक्स्ट्रा गंद लगा होता है उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद ये नेल कटर है जिससे हम शेप देंगे और इसको हम लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो ये पूरी जब चीज़ें यूज़ करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कहा जब तक ये हमारे पाँव डिप हैं और वो रिलैक्स हो रहे हैं तब तक जो है ना आपके साथ चीज़ें शेयर कर दें जी। इसके बाद और क्या है आपके पास, ये एडी साफ करेंगे। एडी साफ करने के लिए दो चीज़ें हमारे पास है, ये हार्ड वाला भी है सॉफ्ट वाला भी है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड है वो इसके साथ आगे करें जिसके साथ हार्ट वाला ये वाला। हाँ जी ये इसके साथ हार्ट जहाँ पर स्किन है ज़्यादा डेड स्किन है इसके साथ रिमूव करेंगे और ये दूसरा जो पिंक वाला है ये सॉफ्ट जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है जी। इसके साथ फिर ये आप अपने दिखाए क्रीम्स दिखा दें, ये भी है इसको भी हम एडी पे यूज़ कर सकते हैं, हम स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट। आप अपने स्किन पे भी इसको यूज़ करें तो आपकी स्किन जो है डेड स्किन रिमूव होती है इसके साथ। और अपनी मसाज भी वगैरह दिखा दें, ये इनकी एक दो मसाज क्रीम है एक स्टफ है, इनके साथ हम मसाज करेंगे। और अपना एक पाउचर भी दिखा दें इनको, ये डॉक्टर जॉन का पॉल्चर है, ये है इनकी सूथिंग लोशन है, ये प्लस शाइनर है और ये इनका 20 वॉल्यूम है। इसका हम पॉल्चर लगाएंगे, पॉल्चर लगाने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसी को हम जो है ना अंदर भी डिप करेंगे, उसका मसाज भी करेंगे और इससे स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आज आप लाइव देखेंगे इंशाल्लाह ताला पूरा वर्क, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी तब हमें लाइव दिखाएं। वैसे मैंने वीडियो अपलोड तो की हुई है पेडिक्योर की, लेकिन फिर वही आ जाता है ना थोड़ी सी कटिंग कर करके थोड़ा सा फास्ट करके, जिससे बहुत सारी बच्चियाँ न्यू जो स्टूडेंट हैं जो इसको डिटेल से सीखना चाह रही हैं उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने फिर लाइव आपके साथ किया।
जी ये अब मैंने अंदर से निकाल ली है। अब इसके नीचे ब्रीकली डॉट है बिल्कुल, जब हम इसको निकालेंगे फिर शायद आपको दिखा सके, जिसके अंदर इनको टूल्स को हमने फिट किया था, ये वाले टूल्स ये जो हमने फिट किया था, ठीक है। इसको जब उतारे जो ये देखिए, जिसके अंदर ये अंदर वो इसी तरह थोड़े से छोटे छोटे ऊपर उभरी होती हैं, अब वो वहाँ पे डायरेक्ट पाउंड रखेंगे जहाँ पे आपके नीचे स्किन को ना रिलैक्स होगा, ठीक है। और अब इसके बाद ये है कि हम ऊपर पॉल्चर लगाएंगे और पॉल्चर की मिक्सिंग आपके साथ शेयर करते हैं। अभी प्रोडक्ट आपको दिखा दी है, अभी आपको प्रोडक्ट दिखा दी है तो आपके साथ पॉल्चर मिक्स करते हैं। चल पॉल्चर मिक्स करेंगे आप। जी सबसे पहले शाइनर डाला हमने, आगे रखे ना नज़र आए। हाँ जी शाइनर डाला आपने जी, ये शाइनर डाला थोड़ा सूखा करें डॉक्टर जॉन का। अब सूथिंग लोशन डालने लगे, पहले जो शाइनर डाला है वो दिखा दें, बोतल भी दिखा दें जी। ये स्किन शाइनर है जी, हम ये डालें और अब इसमें सूथिंग लोशन डालेंगे। तो सब बैग नज़र आ रही है, बॉनी नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ओके। सेम ही रेशो में आप लेंगे, जितना आपने शाइनर डाला उतना ही है। अब ये इनका 20 वॉल्यूम डाल रहे हैं अहमद है। ये डॉक्टर जॉन का ब्लॉन्डर है, ठीक है, ये इसके अंदर डालेंगे। हाँ जी 1 टीस्पून समझे इसके अंदर डालना है। हाँ जी बस बहुत, क्योंकि 10 वॉल्यूम डाले तो फिर हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा डाल लेते हैं, 20 वॉल्यूम के साथ हम काम कर रहे हैं तो इसको कम ही डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे, अच्छा से मिक्स करना है। चले हाँ ठीक हो गया, इसके ऊपर शीट रखिए ना, आप शीट दिखाएं। अभी देखिए सारे पाँव इसके ऊपर रखे, ये हम वर्क कर रहे हैं तो इसलिए फिर शीट को खोलें आप।
ये पूरी शीट ऐसे खोलें, चलिए ठीक है ओके। ये शीट ऊपर रखें, ऊपर आप पाँव रख लें, जहाँ पे आप पाँव रखें आराम से आप तो इसको मसाज कर सकते हैं। पॉन्चो हम करेंगे ये अच्छा सा, आप पोल्चा लगाएंगे, घर के पोल्चा लगाएंगे और पोल्चा को मेज पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका लग भी जाए तो आपके पास पंच है उसके साथ अपना पोल्चा साफ कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट को ऐसे होता है कि नेल्स पे एलर्जी हो जाती है, उसमें इचिंग सी शुरू हो जाती है। अगर आपके नेल्स पे लग भी जाए तो आप उसको नीट कर सकते हैं। आप फुल आपके आगे पीछे आप टोटल इनकी पोल्चा लगाएंगे, आप अच्छी तरह उसको भर के लगाएंगे। ये हमने पोछा लगा दिया, अब इसको 10 मिनट हम रखेंगे। और उतनी देर बेशक आप हम लोग बजाय टाइम वेस्ट करने के, क्योंकि नेल्स पे हमने प्रोडक्ट नहीं लगाई, तो आप नेल शेप कर सकती हैं, ठीक है ना, टाइम आप वेस्ट नहीं करते। तो आप ना उसको आराम से एक एक अपने हाथ में रख लें, अपना ये टॉवल वगैरह जिसके साथ आप आराम से नेल्स लेंथ छोटी ना हो। हाँ जी, स्पंज पकड़ लें, इसके साथ नीट करते जाएं। जी ये फाइलर दिखाएं ज़रा, जी ये देखिए फाइलर है, जी ये फाइलर है जिसके साथ वो पसंद, क्योंकि इन्होंने शेप बिल्कुल स्ट्रेट लेनी है, ऊपर से स्ट्रेट कट किया, अब उसको शेप हम देंगे फाइलर के साथ, मज़ीद उसको नीट करेंगे।
फ्रंट से स्ट्रेट होगा, साइडों पे इसकी राउंड होगी। साइड से इसकी कट करेंगे हम, पार्लर से पहले नीट करेंगे, उसके बाद अगर शेप ना ठीक लगी तो फिर किनारे जो है ना हम उसको कटिंग करेंगे। थोड़ा सा पाँव इसको उठा के इन्हेंस करो, नज़र आ रहा है कि ये हाँ ऐसे करके उस पर जी आ रहा है। सारे काट दी, ज्यादा काट दी, नहीं ज्यादा काट दी, शेप अच्छी देगी फिर फिक्र हो बड़ी थी। आपको ना साइड से बड़े गंदे लग रहे, लेंथ नहीं काम करेगी अभी फिक्र से ज्यादा ही होता है। हाँ देखो आपने कटिंग इस तरह करनी है, ये नहीं देखने की हमारी लेंथ कम हो रही है या ऐसे शेप, आपके फिंगर की नेल्स की शेप उपसा लगनी चाहिए। आप ये ना देखो कि हमारी लेंथ कम हो रही है, बास लोगों की फ्रंट से कट करके उपसा शेप आती है, बास लोगों की साइडों से कट करते हैं नेल्स को तो उसकी शेप उपसा जाती है। तो हम लोग उसी चीज़ को देखते हुए इसको शेप देंगे कि क्या उनकी फिंगर किस तरह, उनके नेल शेप किस तरह खूबसूरत लगती है, क्योंकि हर एक की बनावट होती है जी। जब उतरेगी फिर चले दोनों सबकी शेप होगी है, चलो साइडों पे भी आप करें ना, पकड़ के साथ साथ करते ही जाए, उसको रिमूव कर लें फिर दोबारा अप्लाई कर लेना, स्पंज से साफ करें ना जहाँ से आपको मसला आ रहा है, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है तो इसलिए फिर ये लाइव चल रहे हैं तो साथ साथ दूसरा काम भी करते गए, तो इसलिए स्पंज से वहाँ से साफ कर लें पोल्चर दोबारा, फिर जहाँ पे कर लें साथ ही ब्रश फिर पोल्चर का लगा दें ताकि पोल्चर भी चलती रहे साथ साथ, आपका वर्क भी साथ साथ होता रहे। अदरवाइज लाइव ना हो तो फिर हम लोग स्टे कर लेते हैं ताकि जो है ना आराम से 10 से 15 मिनट पोल्चर लगाया, पोल्चर लगाने के बाद उसको नीट किया, नीट करने के बाद जो है ना नेल्स मूव कर लिए, नेल्स को साफ कर लिया, इस तरह हो जाता है, उसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसलिए फिर आज लाइव हम वर्क कर रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ये कि जितने टाइम की बचत हो सके हम उस तरह करें, इसलिए भी साथ साथ ही हम फिंगर को नीट उसे पोल्चर को नीट करेंगे और अपना उसको नीट करने के बाद उसको साफ करेंगे जैसे जैसे आपके साथ शेयर हो रहा है। लेकिन नेल्स के साइडों पे दिखाएं जरा, इनका जो नीट करते हुए निकाल रहे हैं ना इसके ऊपर टूल्स या ऊपर आते हैं तो कैमरे के पास तक कैसे दिखाएं ताकि पता चले कि कैसे आप वो उसको नीट कर रहे हैं।
तबीयत अप चढ़ तो होती है, लेकिन दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि ये देखिए इस तरह आप इस टूल के साथ इस तरह गंद साफ़ कर सकते हो, इस टूल के साथ इस तरह आप अंदर से साफ़ कर सकते हो, ठीक है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस टूल के साथ इस तरह ये चीज़ आप नीड करते हो, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी जिन्हें नहीं पता कि कैसे ये करते हैं यूज़, इसलिए आपको एक दफ़ा करके दिखाया पास से कि इस चीज़ को इस तरह यूज़ करते हैं और आपके नेल्स के अंदर साइडों पे जो अंदर गंद होता है उसको कैसे आप साफ करते हो, ठीक है। ये देखिए ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, वैसे साथ मैं इनका फेशियल दे रही हूँ और साथ पेडिक्योर हो रहा है, तो पेडिक्योर का साथ मुझे वॉइस भी करना पड़ रहा है और साथ मैं फेशियल भी कर रही हूँ, क्योंकि एक टाइम पे हम दो दो तीन तीन काम करते हैं ताकि जो क्लाइंट है हमारा जल्दी फ्री हो जाए। तो साथ फेशियल कर रही हूँ और साथ जो ना आपके साथ पेडिक्योर शेयर कर रहे हैं लाइव। ये देखिए अंदर से नीट हो गया इनका सारा, इन्होंने साफ कर दिए। बाकी मज़ीद अब इनको हम मसाज करेंगे, ब्रश करेंगे, इनका सारा टोटल करेंगे, तो इंशाल्लाह ये देखिए कितने ज़्यादा नेल्स इनके नीट होंगे, साफ होंगे। अभी आप देखें कितने ज़्यादा डर्टी डर्टी फील हो रहे हैं। आपने फिंगर को देखते हुए नेल्स की शेप बनानी है, ठीक है, फिंगर को देखते हुए नेल्स की शेप बनानी है। और नेल फाइलर से होता है कि आपका अगर नेल्स इससे बहुत ज़्यादा अच्छी शेप भी आ जाती है, अगर आपने नेल कटर यूज़ किया है तो वहाँ पे नेल्स यहीं अटक रहा है तो इसके साथ वो नीट हो जाता है, एक फाइन सा नेल्स आपका आपको मिल जाता है। उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, कोशिश तो हमारी पूरी है कि आपको क्लियर नज़र आए और हर चीज़ की समझ आए। मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वही चीज़ मैं फिर आप लोगों के साथ लाइव भी शेयर कर देती हूँ। देखिए इस चीज़ को साइड से भी साफ़ करते हैं, ये दिखाएं ज़रा अंदर से, ये देखिए किस तरह उसको हम साइड से साफ़ करते हैं इस तरह। ये देखिए ये अच्छा तो नहीं लगता ये आपको ये चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाने का मकसद है कि यही जो गंद है या डस्ट है या डर्टी है ये चीज़ें इसी सारा चीज़ को नीट करने की हम वर्क कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इस टूल का क्या काम है, इस टूल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, किस किस जगह पे किस किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसलिए आपको क्लोज दिखाते हैं कि आपको पता चले कि कैसे ये चीज़ है, कि इस टूल की शक्ल कैसे है और इसको कैसे करके यूज़ किया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। मैं डॉक्टर जॉन का ही फेशियल यूज़ कर रही हूँ 24 कैरेट गोल्ड का, और ये उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और आप देखना चाहें तो मेरे आप फेशियल वाले उस पर जाएँ, लिस्ट पे जाएँ तो वहाँ पे आपको डॉक्टर जॉन का वर्किंग का फेशियल, वो भी मैंने उसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाई है, और डॉक्टर जॉन का 24 कैरेट गोल्ड का जो फेशियल है मैंने उसकी भी पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, और मेरा ख्याल है हर स्किन पे जो है ना
ये इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और इनकी प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ की जाती है, बहुत कम प्रोडक्ट इनकी लगती है। अब ये कि वैसे फेस पे तो हम इसको जो पॉलिशर होती है उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो पेडिक्योर पे मैनीक्योर पे इसका हल्का सा जब हम मसाज कर देते हैं तो ये और नीट हो जाता है। ये देखिए इस चीज़ को हम मसाज करेंगे, ये देखिए इससे जो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अपने फिंगर आप फिंगर टिप पे सर मसाज करेंगे, लेकिन आप ये देखेंगे जब वो ऊपर से मसाज करते हैं तो नीचे से थंब के साथ उसको प्रेशर पॉइंट दे रही हैं, ये नीचे से थंब के साथ प्रेशर पॉइंट दे रही हैं, जिससे आपको पता है हमारे पाँव में पूरी बॉडी का जो निज़ाम है और इससे पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। पूरी बॉडी जब आप पाँव का मसाज करती हैं तो आपकी फुल बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी तहकीक ये है कि अगर फुल बॉडी मसाज करने की बजाय अगर आप खाली पाँव का मसाज कर लेना तो आपका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, आपकी थकावट दूर होती है, आप रिलैक्स होते हो। अब ये देखिए आप फिंगर टिप पे हम उसको ये मसाज करते हुए उसको प्रेशर पॉइंट दे रही हैं, पीछे से आप थोड़ा सा पुश करते हुए आओगे जहाँ पर आप ये मिड वाला एरिया थी वहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हो, आगे से नेल्स पे आके उसको फिर पुश करके उसको स्किप करते हो। नेल्स पे जब आप दबाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हो, बहुत ज़्यादा। ये देखिए हमारे एक मसाज के साथ ही उनकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो गया। और डॉक्टर जॉन का जो ये पॉलिशर है आप फेस पे भी लगा सकते हो, इसको पेडिक्योर पे भी यूज़ कर सकते हो, उसको बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, इसको पेडिक्योर और मैनीक्योर पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इनका ये जो पॉलिशर है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। फेस पे तो मैंने आपको करके दिखाया हुआ है और अब मैंने कहा पेडिक्योर कर रही हूँ तो पेडिक्योर भी आपके साथ उसका दिखाऊँ के पेडिक्योर में इनकी पॉलिशर का रिजल्ट कैसा है। ये देखें साथ साथ उसको मसाज का तरीका आप देखें, आप बहुत इजी तरीके से दिखा रहे हैं और ये मसाज से आपकी स्किन और ज़्यादा नीट होती है। प्रेशर से जब आप रिलैक्स होते हैं तो खुद ब खुद ग्लो आता है, जैसे स्किन पे ग्लो आता है ऐसे पाँव पे भी आता है। ये देखिए बैक से हम कर रही हैं, यहाँ से आपकी पूरी टांगों की जो थकावट है वो आपकी खत्म हो जाती है। चलिए अब इसको हम इसके मशीन के अंदर रखेंगे, पानी गर्म है हमारा, नीम गर्म है, इतना पानी आपने गर्म रखना है कि आपका जो है ना पाँव बर्दाश्त कर सके, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना क्योंकि अभी वेदर चेंज नहीं हुआ, इतना ज़्यादा फैन चल रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप गर्म नहीं करेंगे कि आपके पाँव ठंडे और गर्म हो जाए, ठीक है। एक मिनट का आपके पानी की जो हीट होती है वो होती है। दूसरा ये कि जब आप वर्क कर रहे हैं आपकी ये ड्राई हो जाता है तो आपका नीचे जो पानी है मशीन के अंदर तो वहाँ से थोड़ा सा आप हाथ गीला करके आप उसको पानी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सादा पानी नहीं है, इसमें हमने शैम्पू डाला है, इसमें हमने सॉल्ट डाला है, इसमें हमने ब्लीच पाउडर डाला है, इसमें हमने वो बोला उसके चंद ड्रॉप्स डाले हैं रोज़ के। अब ये देखिए बैग से हम उसका मसाज हो रहा है इनका, और जिससे पूरी टांगों की थकावट और इनकी जो बैग एडी है
वहाँ पे उनका मसाज साथ हो जाएगा, साथ रिलैक्स भी हो जाएंगी और साथ साथ उनका मसाज भी हो जाएगा। आप इनके प्रेशर पॉइंट देखते जाएं, ये देखें जैसे जैसे हम प्रेशर पॉइंट दे रही हैं, नीचे पाँव के नीचे से कर रहे हैं, तलवे पे कर रहे हैं इनका प्रेशर पॉइंट, और जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हो। देखिए साथ ही इनके पाँव का कलर आपको चेंज होता नज़र आ रहा है, आपको इनका पाँव का कलर चेंज होता नज़र आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा इनका प्रेशर पॉइंट है, थोड़ा सा पाँव पीछे रखें यहाँ पे। हाँ जी, अब फिंगर भी नज़र आ रही है, थैंक यू। अब इनकी मूवमेंट देखें, फिंगर की मूवमेंट देखें कैसे वो उनको कर रही हैं। हर स्टेप को आप नोट करें, मैंने इसीलिए लाइव आप लोगों के साथ शेयर की है कि कोई चीज़ आपको ऐसे ना हो कि ये काटी गई है या स्पीड तेज़ की गई है। आप इनके हाथों का मसाज करते हुए इनकी मूवमेंट देखें और इनका जो है सॉफ्टनेस देखें, देखने में हाथ आपने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हाथ लगाने, बेशक आपके पाँव हैं लेकिन फिर भी एक नसब प्रेशर दिया जाता है जो आपको क्लाइंट ईजी हो। बहुत ज़्यादा हार्ड आपने प्रेशर पॉइंट नहीं देने कि आपके क्लाइंट को तकलीफ हो। ये नहीं देखना कि फेस नहीं है, पाँव है तो इसको जो है ना हम जितना मर्जी ज़ोर से लगा देंगे। देखिए ये इतना ज़बरदस्त इनका ये टिप है, और ब्रश ऑफ लोशन आपका जब होता है इससे होता है, इस टिप से आप होता है, राउंड राउंड करेंगे फिर क्लॉक वाइज करेंगे आप इसको, ऊपर नीचे करेंगे। और जब आप इसको मसाज करने के बाद उसी पाँव के साथ अंदर थोड़ा सा उसको डीप करेंगे, और ये ब्लीच वाला पाँव पानी भी इसके अंदर ही कर देंगे, ताकि नेक्स्ट हम जब काम करें तो वो ब्लीच वाला पानी हो आपकी स्किन को और नीट करता जाएगा। बनिस्बत इसके कि आप सादा पानी लें और इसको फिर मशीन को चला दिया है ताकि पानी थोड़ा सा फिर हीट हो जाए, और वो नीचे जो इनके मशीन के अंदर छोटे छोटे टिप्स लगे हुए हैं उसके साथ इनको पाँव को थोड़ा सा दबाते हैं तो उनके पाँव को रिलैक्स होते हैं और ये बहुत अच्छा और इजी फील करते हैं अपने आप को। चलिए जी, अब इसके बाद आप इनके एक एक दूसरा एक पाँव निकालें। आप एक पाँव मशीन के अंदर रखें और एक जो है ना इसके ऊपर रखें, ठीक है। इसको नीट करेंगे, हम मॉइस्चर इनकी नीट करेंगे स्पंज के साथ। देखिए आप ये साफ किया, आप इनका रिजल्ट देखें पहले और अब आफ्टर बिफोर। ये देखें, दिखाएं स्पंज, दिखाएं जी, ये देखें ये इनके पाँव के ऊपर से इनकी डस्ट उठती है, देखिए कितनी ज़्यादा, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ज़्यादा आपका पाँव एक मसाज से, एक कॉल्चर से कितना फ़र्क पड़ा है जी। अब अजानें शुरू होगी, अजान के बाद मैं वॉइस करूँगी, अभी आप वैसे ही वीडियो देखेंगे। बहुत शुक्रिया।
जी अजानें ख़त्म होंगी, ये देखिए आप जब ये वो क्लॉक वाइज आ रही हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपके जो है ना बहुत अच्छा आपको आप फील करते हो। ये देखिए प्रेशर पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये प्रेशर पॉइंट के साथ इनको खा रही हैं, ऊपर से भी प्रेशर मिल रहा है और नीचे से भी प्रेशर मिल रहा है। आप इनके इनके हाथों की मूवमेंट देखें कि किस तरह वो कर रही है अपना मसाज थोड़ा सा। इसको ऐसे ही हम डिप कर देंगे अपने नीम गर्म पानी में। अब दूसरा हम फिट लेंगे और स्पंज के साथ इसको साफ करेंगे, स्पंज को अंदर वॉश कर लें अच्छी तरह, उसी पानी के अंदर स्पंज उसको साफ कर लें। अब इनको स्पंज दिखाएं बोले और फिर इनको लगा के दिखाएं। अभी ये स्पंज है और ये साइड दूसरी साइड है। हाँ जी, ठीक है। दिखाने का मकसद है कि ये देखिए कितना ज़्यादा अगर आप इसको इस तरह करते हैं तो कितना अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अब हम दूसरी ये मसाज क्रीम हुई जो पहले की है दूसरे पाँव पे, अब हम दूसरे पाँव पे करेंगे, जो पहले पाँव पे की है दूसरे पाँव पे हम करेंगे उसको। अपने बाजू पर करें आप, दोनों ही बाजू का करें। टिशू लें, टॉवल लें, अच्छे से टॉवल पकड़ लें। हाँ जी, और जो बच्चा आपका पेडिक्यूर मैनीक्यूर कर रहा है उसके पहले बाजू जो है ना आपके ऊपर होने चाहिए, क्योंकि नीचे जो आपको लगता है तो आपके जर्म्स आपको टच करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। पहले आप अपने आप को सेफ करें ताकि वो जर्म्स आपको ना लगे, और अगर आप सेफ हैं तो आपका क्लाइंट भी सेफ है। खुल नहीं रहा, ये देखिए कितनी अच्छी इनके पाँव का कलर हो गया, नेल्स भी पहले से साफ हो गया। अभी नेल्स पे अभी हमने ओवर वर्क करेंगे, इनको नीट करेंगे थोड़ा इस तरफ कर लें। हाँ जी, थोड़ा सा पीछे करें, अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, और थोड़ा सा पीछे करें। ये अब क्लियर है। कैमरा थोड़ा सा सेट करते हैं अगर हिल ना जाए तो। जी अब करें आप, ये क्लॉक वाइज करेंगे इनको। जैसे आपको लगे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो नीचे से आप पानी ले सकती हैं, क्योंकि उस पानी में हम देखें ब्लीच का भी है और पहले भी इतनी ज़्यादा हमने चीज़ें मलाई हुई हैं, तो जब वो वाला पानी साथ टच करेंगे तो ऑलरेडी उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट है, तो आपका वो नीट करेगा। फिंगर के अंदर से, फिंगर के साथ साइडों से स्टेप बाय स्टेप इसको आप मसाज करेंगे।
उसी तरह इसका मसाज करेंगे जैसे हमने पहले किया और इसका मसाज मुकम्मल हुआ। अब हम पहला पाँव फिर निकालेंगे, ठीक है, ये देखिए इसको फिर हम इसको स्पंज करेंगे। जब मसाज किया तब हमने इसको स्पंज नहीं किया और ऐसे ही नीट नहीं किया, ऐसे ही अंदर रख लिए ताकि उसके ऊपर प्रोडक्ट लगी रहे, थोड़ा सा और स्किन नीट हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे हम कर रहे हैं उनका कलर जो ना फ्रेश होता जा रहा है। अब स्क्रबिंग करेंगे हम जी, स्क्रब करेंगे हम इनों पर, इनके पाँव पे मैं कल कोई जख्म भी हुआ, पहले तो नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा है, उसको हम देखते हुए, हाँ जी देखते हुए करेंगे ताकि जो ना कोई उनको फील ना हो। हाँ जी देखें इसको पहले राउंड राउंड इसको कर रहे हैं। अब स्क्रब हम करें, स्क्रब को जब हम फेस पे यूज़ करते हैं तब भी हम हमारा प्रेशर पॉइंट बहुत सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा ही होता है, और इसी तरह जब आप पाँव पे करते हैं, फिट पे करते हैं या हैंड पे करते हैं तब भी आपका जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा बेहतर होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगना क्योंकि स्किन ही है ना, बेशक पाँव की स्किन है लेकिन है तो स्किन ही है ना, तो वो फिर डैमेज हो जाती है, इसलिए हमें सॉफ्ट हाथों से करना है। जितना आप सॉफ्ट हाथ लगाएंगे उतना ही आप रिलैक्स भी होंगे और उसके अलावा आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा गर्म स्किन को जला देता है और इसी तरह ज़्यादा ठंडा भी स्किन को जला देता है, और यही मसाल है कि अगर ज़्यादा आप उसको डुबा के करेंगे तो आप रिलैक्स नहीं होंगे, स्किन ग्लो होने की बजाय वो डल हो जाएगी, इसलिए आप सॉफ्ट हाथों से सॉफ्ट फिंगर के साथ आप करेंगे, प्रेशर पॉइंट थोड़ा सा अच्छा देंगे, दबा के करेंगे ताकि वो थोड़ा सा महसूस हो और उससे फुल बॉडी वो रिलैक्स हो। ये देखें जब प्रेशर पॉइंट देते हैं, ये देखिए कितनी अच्छी मूवमेंट उनकी है, उम्मीद है कि आपको क्लियर नज़र भी आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रही होगी, मेरी वॉइस भी आप तक पहुँच रही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 7 फेशियल दे रही हूँ और साथ ही हम आपके साथ पेडिक्योर जो कर रहे हैं वर्क वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा प्रेशर पॉइंट है, जैसे सीजर हम रखते हैं उस स्टाइल में फिंगर को रखते हुए आपकी ये साइडें जो है ना उनका हम मसाज कर रहे हैं। ये सीजर मसाज होता है जो सीजर स्टाइल में करते हैं, सीजर फिंगर उस तरह रख के सीजर मसाज करते हैं, आपकी साइडों का जो मसाज होता है ये सीजर मसाज का लगाया जाता है। ये देखिए फुल राउंड जो है ना सीजर मसाज ही इस वक्त कर रही है आपका। बैक से कर रही हैं ताकि आपकी जो है ना टांगों की थकावट वो ख़त्म हो, और ये प्रेशर पॉइंट नीचे से देते हुए आगे लेके आ रही हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा थंब दिखाएं ऐसे, ये देखें ये फिंगर पॉइंट, ये ऐसे दो थंब को रखा और ये ऊपर लेके आती है। इसको बहुत ज़्यादा दबा के आपने नहीं करना क्योंकि प्रेशर भी एक हद तक रखते हैं, ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा उसको दबा के प्रेशर दें कि आपका जो क्लाइंट है रिलैक्स होने की बजाय वो पेन में आ जाए, ठीक है। आप जो हैंड ब्रश है आप उसके साथ जो है ना आप इस पे से हैंड ब्रश निकालें, उसके अंदर पड़ा हुआ है, मशीन के अंदर पड़ा हुआ है, हैंड ब्रश के साथ साथ आप नेल्स पे आप थोड़ा सा पाउ उठाएं, हैंड ब्रश निकालें। हाँ जी ऊपर अपने
इसके साथ ये थोड़ा सा आप करेंगे, पानी लगाएं इसको अंदर से, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लें, फिंगर ऐसे रखें अंदर, जैसे इसको तीन फिंगर रखते हैं, इसको ऐसे करके अच्छा सा नेल्स के ऊपर से साफ कर लें, क्योंकि इस वक्त आपके नेल्स पे क्रीम लगी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपका जो ये जो डर्ट है सारा कुछ वो नीट हो जाएगा। साथ साथ आप इस तरह भी करती जाएंगे तो वो भी ठीक है, आप सेपरेट से भी कर लें तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं इस तरह अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, ताकि साथ साथ तो जब नेल्स सॉफ्ट हो गए हैं तो इसको जो ऊपर से हमारी गंदगी है उसको इस तरह नीट कर लें, ताकि वो फ्रेश, जब ऊपर से आपकी डस्ट और ये जो मैल है वो नीट हो जाएगी तो नीचे से जो आपकी डेड स्किन है तो फिर क्लियर होगी। अगर इस तरह डेड स्किन के ऊपर ये आपकी मैल होगी तो वो नज़र नहीं आएगी, आपको डेड स्किन का पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा टेढ़ा करके नेल्स के अंदर भी दें। थैंक यू। अभी ऐसे ही हम पाँव को अंदर रख देंगे पानी के अंदर, जो हल्का नीम सा गर्म है, और ये प्रोडक्ट हमारी इसका ऊपर ही लगी रहेगी, ताकि जो और ज़रा थोड़ा सा प्रोडक्ट लगी रहे और इसका और अच्छा रिजल्ट हो जाए। जी देखिए, हमने फिर स्क्रब लगाया और उसका मसाज शुरू कर दिया है सेकंड पाँव पे। साथ साथ आप जो मशीन के अंदर पाँव पानी है उसको साथ लेंगे और उसको मसाज करेंगे। जी अजान की शुरू हो गई है, मैं थोड़ा सा अजान मुकम्मल होती है फिर इंशाल्लाह रिवाइज करूँगी आपके साथ, और तब तक आप मसाज देखें।
जी आपको दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ वाइस के साथ जी। वो हमने मसाज कर लिया, अब जो पहले हमने स्क्रबिंग की थी और इसको दोबारा साफ कर रहे हैं। देखिए आपके सामने इसको नीट करेंगे हम, अच्छी तरह नीट किया और स्पंज उसमें वॉश कर लिया, नीट कर लिया। अब ये कि अब इस पर हम रोल करेंगे, इसको टिश्यू से आप ड्राई कर लें। ये देखिए कितना अच्छा इनमें ग्लो आ गया आपके पाँव पे। साइड चेंज कर लें इसके, आप इसको टर्न करें, टर्न वापस से बंद कर लें, मशीन से लग जाएगा ना, ऐसे बंद कर लें, अंदर नहीं आ सकते। चलिए अब हम टूल यूज़ करेंगे, तो आप देखते हैं सारे टूल कैसे हम स्टेप बाय स्टेप टूल यूज़ करते हैं। ये इस मशीन अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर हम वर्क करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर से ये टूल निकल जाता है, बस थोड़ा सा भी दबा के ज़्यादा करें तो उसका ये टूल निकल जाता है। और लेकिन इसके आगे वाली चीज़ अच्छी है, इसको थोड़ा सा हाथ जब बैठ जाता है तो फिर वो ठीक रहता है, इसको हल्का सा लगाते हुए आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखिए स्टेप बाई स्टेप हम उसको कर रहे हैं, जैसे वो अगर निकल रहा है उसको थोड़ा सा दबा के आप लगाएं फिर नहीं निकलता, थोड़ा सा और पानी करें। ये तेजी से घूमता है और ऊपर से आपकी जो रेड स्किन होती है ऊपर वो निकलती है। ये देखिए कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा लगा लें, इनका नेल ज़्यादा ही ऐसे है और इस मशीन का भी इस तरह का मसला है कि अंदर से बहुत ज़्यादा आप जब उसको दबाते हैं तो वो फिर निकल जाता है। इसकी नोक आगे से यूज़ करें तो फिर इस तरह नहीं होता। हाँ जी ये ऐसे जब आप इसको ठीक ठीक यूज़ नहीं करते ना तो फिर ये इसका अंदर से फिर निकल आती है। इसकी बेसिक आगे से नोक हम यूज़ करते हैं, साइडों पर राउंड बिल्कुल नेल्स की साइड साइड पर इसको राउंड राउंड लेके जाते हैं। ये देखें अभी देखिए कैसे नीट हो गया, ऊपर से कितनी रेड इनकी स्किन लेयर से उतर रही है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना तमाम नेल्स पे हम करेंगे। आप देखते जाए कि किस तरह उसको करते हैं। थोड़ा सा उस तरफ करें, उस तरफ हाँ जी ये अब ये नज़र आएगा। ठीक है देखिए स्टेप बाय स्टेप हम उसको वर्क कर रहे हैं उसी मशीन से। जब हम नोक यूज़ कर रहे हैं तो अब उसके देखते हैं वो फिर अंदर से नहीं निकल रहे,
जब हम उसको पूरा ऐसे लटा के करते हैं तो वो फिर निकल जाती है। इसका तरीका ये है कि आगे से जो उसकी नोक है उसको वो यूज किया जाए ना, तो इसलिए आपके तरह आपके साथ हर तरह का शेयर कर रही हूँ ताकि आपके पास भी टूल जब आप यूज़ करो तो आपको पता हो तो कि किस तरह यूज़ करें और इसका तरीका क्या है, किस तरह ये इसका वर्क जो है ना ठीक ही वर्क करता है और आपको ठीक रिजल्ट देता है। अब ये हमने कर लिया है और इसके बाद हम दूसरा यूज़ करेंगे ये वाला। हाँ जी, इसकी शेप को पास से ऐसे दिखाएं, सारी अंदर से ऐसे है ऊपर से ऐसे है जी, आराम से जगह रखें आप ठीक है यहाँ पे जी। इसके अंदर इजी से फिक्स हो जाता है, कोई भी आप रूल लगाते हैं तो इजी से फिक्स हो जाता है। ये इसके टूल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बजाय कि हम पिन के साथ इसको नीट करें तो उससे मुतमैन पेन होने का होता है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपके टोटल ऊपर से डेड स्किन जो है ना रिमूव कर देते हैं। स्टेप बाई स्टेप टूल जो यूज़ कर रहे हैं आप देखें कि नेल्स कितने ऊपर से गंदे थे, कितने वो ग्रे से थे और अब देखिए कितने ज़्यादा वो नीट हो गए, नेल्स में शाइन आना शुरू हो गई। कितना अच्छा इसका वर्क हो रहा है, चले के किस तरह जा रही है, काफी क्लियर आपको नजर आ रहा है और उम्मीद है कि समझ भी आ रही होगी। देखिए अब पिन उसकी नहीं निकल रही, सिर्फ क्या वजह है कि उसको अच्छे तरीके से जैसे उसको यूज़ करते हैं उतना वो यूज़ कर रही है।
देखिए बिल्कुल जो डेड स्किन आपकी बिल्कुल स्किन के साथ साथ होती है ना, जिसको हम वैसे पिन के साथ निकालते हैं, वो इसके साथ रिमूव हो रही है। आप थोड़ा सा इसको इसके साथ पहले रिमूव करके देखें इस टूल के साथ, और जब उसको रह जाएगी तो फिर इसके साथ इसको आप नीट कीजिएगा। ये देखें, अब इसको देखते हैं यहाँ से अगर कोई रह गया जो हमसे नहीं निकला, वो इसके साथ निकालेंगे और इसको नीट करेंगे। फिर उसके बाद देन उसको स्मूथ करने के लिए हम ऊपर से इसको ये दूसरा टूल यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखें, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा उस तरफ करें। ये देखिए कि कितना ज़्यादा नीट हो गया इनका नेल्स, किस कदर नीट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा नेल्स करेंगे। थोड़ा सा पाँव उस तरफ रखें, नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ जी, अब जी ये देखिए वो टूल्स अब यूज़ किया आपके सामने, आपने देखा है। अब इस पाँव को हम अंदर नहीं रखेंगे, ये हमारा रेडी है। अब एरियन की करनी है आपने। ठीक है, पहले एक पाँव मुकम्मल करके फिर हम दूसरा पाँव पकड़ेंगे। ठीक है, ताकि एक बिल्कुल साफ हो जाए, स्मूथ हो जाए। करें ना ताकि नज़र आए। जी अब ये देखें, ये टूल्स हैं। हाँ जी, करें ठीक है।
थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा सा बाहर नीचे करो और नीचे करो। हाँ जी अब नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए उसी इलेक्ट्रिक के साथ ही हम काम कर रहे हैं इनका, प्लस के साथ डेड स्किन भी उतारेंगे। स्टेप बाय स्टेप इनका हम वर्क करेंगे। देखिए अब बैक पे शुरू हो गया है स्किन पर निकलना। इसको थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि आपको रगड़ना लगे, वेट हो के ज्यादा आप अच्छा काम करेगा। आप चाहें तो जब आपने क्रीम लगाई होती है, मसाज की है, तो तब भी आप पीछे से एरिया भी साफ कर सकते हैं ना, कि और ज्यादा अच्छा आपका काम हो जाता है। आप बाद में भी कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी फील हो। लेकिन अगर साथ साथ मसाज के साथ साथ करें तो और ज़्यादा आपका अच्छा हो जाता है, क्योंकि ड्राई होने से पहले उसी तरह नमी में जब आप साफ करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इनके थोड़ा सा हार्ट है, वो इनके जो ज़्यादा है लाइंस है, लाइंस के अंदर जो इनकी डर्ट है ना और गंदगी है, वो नीट होगी इनकी। अब इसको बैठ कर लें तो आपका और अच्छा हो जाएगा, रगड़ने लगेगी आपको। देखिए इनकी एड़ी कितनी ज़्यादा साफ हो गई है, बिल्कुल नीट हो गई, ठीक है। चलो जी अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इस साइड का पूरा पेडिक्योर, ठीक है। अब दूसरा पाँव हम लेंगे, वो तब से हमने पाँव अंदर ही रखा हुआ है। ये देखें अभी भी उस पर स्कर्ब लगा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे दिखाएं आगे करके। हाँ जी ये देखिए अभी भी उस पर स्कर्ब लगा हुआ है, ऐसे ही मसाज के साथ ही ऊपर नीट कर लें आप। और नीट करने के बाद आप जो है ना बेशक एड़ी पहले साफ़ कर लें, अब आपको पहले हमने बाद में एड़ी साफ़ की थी, अब ये कि हम आपको पहले एड़ी साफ़ करके दिखाएँगे, बाद में नेल्स करेंगे। फिर मतलब आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, पहले नेल्स कर लें बाद में एड़ियाँ कर लें। अब पहले हमने ऐसे ही किया था, पहले नेल्स का वर्क किया फिर बैक का किया, अब ये कि हम पहले बैक का करेंगे और फिर फ्रंट का करेंगे। थोड़ा सा नीचे हाथ करें ये यहाँ पे आ जाए ताकि कैमरे में क्लियर नज़र आए। पहले हमने टूल यूज़ किया सॉफ्ट ना, लेकिन अब ये देखिए डायरेक्ट ही हम दूसरा टूल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए चेंज करके दिखा रहे हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक तरीका है कि बस आप एक टूल ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, नहीं। आपको फील हो कि पहले मैं ये यूज़ कर लूँ, पहले उसको यूज़ कर लें, पहले हार्श लानी है उनको नीट कर लें, ठीक है। उसके बाद जो आपकी रह गई है सॉफ्ट आप उनको नीट कर लें।
दोनों ही तरीकों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद आपने तमाम टूल्स को अपने डिटॉल के पानी से इसको वॉश कर लें। इनका स्पेशल टूल्स वॉश करने वाला जो होता है वो उसमें लिक्विड में उसमें डिप करके आप छोड़ दें। और मतलब इस तरह आपको टूल्स को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए आप उसको टिश्यू कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं। ये देखिए नेल्स के अंदर से साइडों पे पहले हमने दूसरे टूल से आपको करके दिखाया था नेल्स का नीट। अब ये देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ता है। इनके बहुत ज़्यादा इनके ख़राब थे पाँव तो इसलिए आपके साथ शेयर किया। इस पाँव के हमने नेल्स पहले अंदर से इस टूल से नहीं साफ किए थे तो अब उसके साथ अंदर से साफ कर रहे हैं। जो आपकी अंदर डस्ट होती है गंद होता है उसको रिमूव कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको क्लियर नजर आए थोड़ा सा पाँव पीछे करेंगे तो आपको अच्छा सा क्लियर से दिखा सकते हैं हम। इनको कट कर दूं जी ये देखिए फलर यूज़ कर रहे हैं आगे से नेल्स को शेप देने के लिए। थोड़ा सा उस करें
सॉरी दरमियान में कॉल आ गई थी और जैसे उसको ऑफ करने की बजाय मेरे से ऑन हो गई थी, अटेंड हो गई थी, तो शायद उसमें वीडियो रुक गई कुछ देर के लिए, चंद सेकंड के लिए। ये देखिए फाइल पेपर फाइलर से मज़ीद उसको नीक कर रहे हैं, कहीं से हमें फील हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नेल साफ होता है आपको और ज़्यादा उसकी शेप पता चलती है। देखिए कितने अच्छे उनके पाउडर उनके ग्लो कर रहे हैं। जी अब हम अपनी वही मशीन जो मैनीक्योर की है, पेडीक्योर की है, ये मैनीक्योर पे भी यूज़ होती है, ठीक है। अब फिर हम उसी टूल को यूज़ करेंगे। अब दोबारा फिर देख सकते हैं, ज्वाइन करें इस चीज़ को, देखें गौर से देखें कि हम इसको किस तरह करेंगे। आप इसको फ्रंट से नोक से करें, हाँ जी इस तरह, फिर आपकी पिन नहीं निकलेगी। अगर उसको लटा के लंबे रुख का करेंगे तो आपके अंदर से ये नोजल जो है ना ये निकल आती है, बाहर निकल आती है। ये देखिए वही टूल हम सब फिंगर पे आस्ता आस्ता कर रहे हैं अपना, ये सही हो गया। थोड़ा सा फिंगर उठा के करें, थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ जी इनको नज़र आए, ये देखें थोड़ा सा अपना हाथ पीछे करें ऐसे, हाँ जी अब क्लियर नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसकी जो आगे वाली नोक है उसके साथ हम वर्क कर रहे हैं, जो रेड स्किन है और पूरे नेल्स के ऊपर, एक नेल्स के ऊपर जो रेड स्किन है उसको हम रिमूव कर रहे हैं।
ये देखिए इनके नेल्स, आप देखिए कैसे शाइन आ गई है, कैसे इनके नेल्स नीट हो गए जी। अब हम टूल्स दिखाएं ज़रा इनको पास से जी। ये हाँ जी बिल्कुल, ये मशीन पे कैसे फिक्स करते हैं, आपका हाथ फिंगर आ जाती है आगे, ऐसे उसको पुश करते हैं अंदर तो वो जो है ना उसके अंदर फिट हो जाता है बहुत ही ईजी। अभी भी आपका हाथ आ रहा है आगे, हाँ जी इस तरह जी। अब आपको के लिए थोड़ा सा आप हाथ को पीछे रखें ना, ऐसे करके टेढ़ा करके करें, हाँ जी ऐसे पीछे से बटोर लिया जी, अब क्लियर नज़र आ रहा है। देखिए कितना अच्छा उनका नेल्स हो गया, कितना फ्रेश लग रहा है। टिशू लें आप, जब भी आपने इसका वर्क करना है तो आपने इसको साफ टिश्यू से करना है, डेड स्किन जो ऊपर से उतरती है उसको टिश्यू से आपने नीट करना है। अपने हाथ में टिश्यू रखें, साथ साथ इसको टिश्यू करें ताकि ऊपर से आपको पता चले कहाँ से कोई स्किन रहेगी कहाँ से नहीं, जहाँ पे गंदगी है जहाँ से जो भी चीज़ है आपके ऊपर लगी हुई है जिसको आप नीट करना चाह रहे हैं वैसे जी ऐसे नीट करें उसको। बहुत मेहनत होती है इस पर, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये इनके पाँव और इनके नेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज थे तो मैंने कहा चले आपके साथ लाइव शेयर करूं ताकि बहुत सारी बच्चियां जो ऐसे परेशान हो रही थी कि उनको कैसे नीट किया जाए कैसे रखा जाए। अब आप रूटीन से आप इस तरह अपना खुद घर में भी कर सकती हैं, आप इतनी सी ये मशीन ही ले आए, एक दो एक फाइलर ले आए और इस तरह दो तीन चीज़ें ले हैं तो उसे आप घर में भी कर सकते हैं। आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप टप में गर्म पानी डाल के उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें डाल के उसमें पाउ डिप कर सकते हैं और उससे भी काफ़ी हद तक आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन जो प्रॉपर एक पॉलर में आके आप एक ट्रीटमेंट के तौर पर आप अपना जब ये चीज़ नीट करवाते हो तो उसका उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट ही और होता है। ये आपके सामने ही है कि देखिए किस तरह एक एक चीज़ को मैनेज करके तरीके से उसको किया जा रहा है। और उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। जी देखिए जी आपके सामने इनके नेल्स, इनके पाँव, इनकी स्किन कितनी अच्छी है। ये देखिए मज़ीद जो है ना नेक्स्ट है, ये थोड़ी सी इनके ऊपर से जो शेप है ना दाना जो इन दाना पर बना हुआ है थोड़ा सा मोटा है जो पहली थी, हाँ जी ये थोड़ा सा मोटा है, हाँ जी ये हल्का सा साथ टच करते हैं कि यहाँ से ये इस चीज़ को रिमूव करता है जो कोनों में आप होता है ना उस चीज़ को रिमूव करता है। उसको क्या कर सकते हैं।
जी ये देखिए जी, मेरा रिजल्ट पेडिक्योर का आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा टोटल वर्क, ये देखिए दूसरे फिंगर पे ऐसे साथ लगाएं, पाँव साथ करें। ये देखिए जी कितना अच्छा इनका रिजल्ट आया। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।